हजरीन सलामुअलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो आने वाले मुहर्रम के बारे में बात करेंगे कि मुहर्रम हमें किस तरीके से मनाना है, मुहर्रम में हम लोगों किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें जो हमें गाइडलाइंस हमारे मर्जा हजरात दे रहे हैं और जो हमारे सरकार दे रही है, हमें उन सब गाइडलाइंस को मानना है। सरकार को जो भी हमें सरकार गाइडलाइन दे रही है हम उसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, मगर जो हमारे मर्जा हजरात जैसे जनाब सिस्तानी साहब हम दे रहे हैं या खामनाई साहब ने जो हम लोगों को बताया है कि हम मुहर्रम किस तरीके से मनाएं, हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम किसी और की तरीके से बताए हुए मुहर्रम को मनाएं। जैसे लोग बहुत से लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं कि आप इसको ये जो लीगल प्रोसेस है आप इसको दिखाइए और आप मुहर्रम मनाइए या आप ये पेपर लगाकर मुहर्रम मना सकते हैं, ये सब अफवाहें हैं, इन सब पे ध्यान ना दें, ये सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए कराया जा रहा है। और ये जो बात हमारे मर्जा कह रहे हैं हम मर्जा की ज्यादा मानेंगे, ना कि हम इन लोगों की कि आप इस तरीके से मुहर्रम मनाएं। अगर हमारे मर्जा ने किसी चीज को मना कर दिया है तो हमारा फर्ज यही है कि हम पहले सरकार को भी एक टाइम को हम छोड़ सकते हैं, मगर जो हमारा मर्जा हमसे कह रहा है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम उनकी तकलीद में हैं। हम जिनकी तकलीद करते हैं उनके लिए हमारे लिए वो सबसे आला हैं, यानी वो हमारे इमाम के बाद उनकी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, और जो हमारे लिए जो फतवा देंगे या जो वो हमें गाइडलाइन देंगे हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने नौजवानों से खासतौर से ये गुजारिश करूंगा कि किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी भी तरीके की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारी हमारी कौम की और हमारे मर्जाओं की और हमारी सरकार की बात गलत हो। हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है जो हमारे मर्जा लोगों ने कहा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप लोग ऑनलाइन मजलिसे कीजिए, आप अपने घरों पे अपने अपने जहां भी आप हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जहां जहां हैं आप अपने घर पे एक अलम लगाइए जिससे ये पहचान हो कि हम शिया हैं और शिया ने अली हैं। तो ये हमें जरूरी है, जो हमारे गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं उसको हम फॉलो करें। किसी भी और जो लोग हमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो गुमराह करने के उसमें लगी हुई हैं कि आप इसको मुहर्रम को इस तरीके से मना सकते हैं, इस तरीके से मना सकते हैं, जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे और जो हमें गाइडलाइन मर्जा हजरात ने दिए हम उसको फॉलो करेंगे। मैं अभी अपने वीडियो के बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जनाब मोहसिन रजा साहब ने जो पूरी क्लिप दी है, पूरी गाइडलाइन दी है, वो पूरे सिर्फ शियत के लिए नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। आप उसको सुनिए और उसके ऊपर फॉलो कीजिए। मैं आपको वो भी अभी अपने वीडियो के साथ उसे डालूंगा। तो जैसा कि हमारे सिस्तानी साहब का ये गाइडलाइन आई है कि आप हर घर को अजाखाना बना दो। अगर अजाखाने हमारे कम हैं तो हम वहां नहीं जा सकते, तो अपने घर को अजाखाना बना लो, अपने बच्चों को साथ लेकर बैठो, उनको बताओ कि करबला क्या है, उनको बताओ कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस तरीके से दी और क्या मसले मसाइल थे उस वक्त के। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने बच्चों को घरों में मजलिस कराकर मौलानाओं को एक हम बाकायदा उनको एक उन्वान दें कि आप इस चैप्टर पे इस करबला के उस गोशे पे बोलिए, आप इस गेशो पे बोलिए, आप इनकी जिंदगी बताइए, आप इनके इस इमाम की जिंदगी बताइए। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो हम इज्तमाही तौर से नहीं कर सकते कि हम बड़ी मजलिस में तो मौलाना को जो बोलना होता है वो अपनी तरीके से बोलते हैं, मगर हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए हम जो मजलिस छोटी छोटी करें उसमें मौलाना लोगों को कोई पॉइंट दिया जाए कि आप इस टॉपिक पे बोलिए, इस टॉपिक पे बोलिए, तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे बच्चों में एक नई बात पता चलेगी जो अब तक उन्हें नहीं पता है। जो हम इज्तमाही तौर पर बातें नहीं कर सकते वो हम महदूद एक घर में या किसी अदाखाने में जहाँ पे 20-25 लोग बैठकर मजलिस कर सकते हैं वहां पर हम ये बातें उनको बता सकते हैं अपने बच्चों को कि करबला में क्या हुआ था, करबला में कैसे कैसे किस किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी है, ये सब हम चीजें बता सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को और अपने जो मुआशरे को इस वक्त सुधारने का जो अल्लाह ने हमें मौका दिया है इस महामारी के उसमें हम उसको एक अच्छी तरीके से लें और हम उसको इसका कोई वो मौजू ना बनाए कि हमारा मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल रहा। तो जुलूस इम्पोर्टेंट है, जुलूस हमारे लिए सब कुछ है, बिना जुलूस के हमारी जिंदगी
में कुछ नहीं है, क्योंकि हम साल भर इसका इंतजार करते हैं और साल भर हम सब कुछ इसी के लिए जीते हैं, सब कुछ इसी के लिए करते हैं, मगर एक मसलहत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, हज नहीं हुआ, तो हमें जुलूस को भी इस कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। हम इससे अपने गम इजहार का जो तरीका है उसे बदलना पड़ेगा, मगर हमारे दिलों में जो गम है इमाम हुसैन का, उसको तो हमें करना ही है, और उससे ज्यादा हम शान शौकत के साथ करेंगे। अपने अपने घर में, हर घर से जब आवाजें इमाम हुसैन की निकलेगी तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हुसैन के चाहने वाले ऐसे हैं। हम सड़कों पर एक पोस्टर लगाएं, पोस्टरों पे बड़े बड़े इमाम हुसैन के जो कवालीन है, जो उनके लिए लोगों ने शेर कहे हैं, जो उनके लिए लोगों ने कोटेशन कहे हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने इमाम हुसैन के बारे में कहा है, हम उनकी कोटेशन मंदरयाम पे लाए जो अब तक नहीं आ सकी है, उनको हम लाए और वो लोगों के सामने शाया हो कि किस लोग ने, किस आदमी ने हमारे हुसैन, इमाम हुसैन के बारे में या हजरत मोहम्मद के बारे में या अहले बैत के बारे में क्या क्या कहा है, हम ये सब बातें बताएं, जिससे कि और कौमों को भी ये पता चले कि शियत क्या है। शियत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम शियो ही शियो में करें, शियत बहुत बड़ी चीज है। जो आले रसूल है उनका मैसेज जो हमें है वो घर घर पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम आले रसूल का जो पैगाम है वो मंजर आम तक आना चाहिए, और इससे अच्छा मौका हमारे हिसाब से नहीं हो सकता कि क्योंकि इस बार जुलूस भी नहीं है और मजलिसे भी बड़े स्केल पर नहीं होने की, तो हम छोटी छोटी मजलिसे अपने अपने घरों में कराएं और उससे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर हम उसको शाया करें, जिससे लोग सुनकर, हो सकता है कुछ लोग हमारे मजहब को पसंद करें और जो इस्लाम की जो खूबियां हैं उसको पसंद करके वो इसको पसंद, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारे जो आलिम दीन है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को जो है ज्यादा से ज्यादा इस वक्त तबलीग दीन करें। जो बातें मेंबर थे वो वैसे नहीं कर सकते, वो छोटी छोटी मजलिसों में बताएं लोगों को कि क्या क्या किस किस तरीके से हुआ। तो हमारे लिए, हमारे जो अहले बैत हैं उनके फजाइल इतने ज्यादा हैं कि हम अगर किसी एक के भी जिंदगी के बारे में या किसी एक गोशे को भी अगर हम करें तो समंदर का पानी कम पड़ सकता है मगर उनकी फजीलतें कम नहीं पड़ सकती। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि जुलूस अज़ा का गम ना करें, इमाम हुसैन का गम करें, इमाम हुसैन के गम में इतनी शिद्दत के साथ अज़ादारी करें कि लोगों को पता चल जाए कि अगर ये लोग जुलूस नहीं उठाएंगे तो इस तरीके से अज़ादारी करेंगे। इसे एक मिसाल के तौर पे हमें कायम करना है, क्योंकि ये हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी अज़ादारी को, अपनी शियत को प्रमोट कर सकें अच्छे से, अच्छी तरीके से। तो मैं तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूंगा कि वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, ना माहौल में कुछ प्रॉब्लम आए या कोई बात हो, अंजुमनबाजी, नोए खानी, ये सब चीजें अपने अपने घरों में करें और अपने घरों से अच्छा मैसेज आप शाया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आजादारी का जो है वो फरोग हो सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि हम जुलूस के चक्कर में पड़े कि जुलूस नहीं निकल रहा तो हम आपस में लड़े या कुछ करें, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो हमें सरकार ने गाइडलाइन दी है, जो हमें हमारे मर्जा हजरात ने हमें गाइडलाइन दी है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए और अपने मौलाना को हमें टॉपिक देकर मजलिसें पढ़वानी चाहिए कि आप इस टॉपिक पे पढ़ें, या मौलाना हजरात को एक अलग अलग तरीके से उनको जिंदगी, हर किसी के इमाम की जिंदगी के बारे में, इमाम हुसैन के साथ जो जो करबला में हुआ, जो मदीने में हुआ, जो उन्होंने अपना हज उमरा में बदल दिया, ये सब चीजें जो हमारे बच्चों को नहीं पता है उसकी बेसिक चीजें बताएं, ताकि हम अपनी आजादारी को सही करके हम जो ये नए बच्चे हैं उनको आजादार बना सकें। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। जो हम बातें मेंबर थे बड़ी मजलिसों में नहीं कर सकते, वो छोटी छोटी मजलिसें अपने घरों में करके अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से इस्लाम फैला है, किस तरीके से इस्लाम पे किस किस लोगों ने कुर्बानी दी है, किस किस लोगों का इस्लाम को फैलाने में क्या रोल रहा है, ये सब बातें इस वक्त बताने का बहुत अच्छा मौका है। मैं आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मैसेज और लोगों तक भी पहुंचे, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अमरोहा के जो तमाम हमारे जुमा जमात और काफी आलिम दीन जो हमारे साथ थे, उन्होंने कल एक मीटिंग की है,
मीटिंग में, और उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ अदारी के सदर जनाब हसन शुजा साहब भी थे, हमारे मौलाना मोहम्मद सियादत साहब भी थे, मौलाना शहवार साहब भी थे, मौलाना सरोज साहब भी थे, मौलाना वसीम भी थे, और कौसर मुश्तबा साहब भी थे मौलाना। तो काफ़ी हजरात जो हमारे अमरोहा के आलिम दीन थे उन लोगों ने, और हमारे दोनों अंजुमन रजाकारान हुसैनी और तहफ़्फ़ुज़ अदारी के जो कारकुन थे उन लोगों की मीटिंग हुई है, और उन्होंने यही बात उसमें साफ तौर से कही है कि जो हमारे मर्जा हजरात का और जो हमारे सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम जुलूस नहीं निकालेंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, उसके ऊपर हमें किसी भी तरीके कोई सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो गाइडलाइन सरकार ने दी है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सब मजहबों के लिए हैं, सारी चीज़ों के लिए हैं। बाकी कोई लोग जैसे मैंने देखा व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ डाला है कि जुलूस निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो देखिए छोटे छोटे जुलूस जो बच्चे निकालते हो तो हमारे भी जुलूस हम निकाल सकते हैं, कि कोई वो नहीं है कि परेशानी। बस मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको इशू ना बनाएं, और बहुत अच्छी तरीके से खुलूस दिल से जो इमाम हुसैन को पुरसा देना है, जो बीबी फातिमा को हमें पुरसा देना है, उसका तरीका बदल दें कि हम घरों में अज़ादारी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है वो रखें, हम मजलिस करें तो उसमें भी सैनिटाइज का, मास्क का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और इस बीमारी से बहुत लोगों की जाने जा चुकी हैं, बहुत लोग ये जाने जा रही हैं, और बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है हमारे हिंदुस्तान में। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, और देखिए जुलूस उठाने वाले हम नहीं हैं, जुलूस उठाने वाले वो खुद हैं, वो जिसका जुलूस है वो खुद उठवा लेगा। हमें तो सिर्फ उसके एक रजाकार की तरीके से, उसके एक पैरोकार की तरीके से हमें जुलूस उठाने की जिम्मेदारी जो मिली हुई है हमें उसे निभाना है। इस वक्त अगर हमारे साथ ये परेशानी आ रही है इस महामारी की वजह से, तो हमें अपने दिलों पे पत्थर रखना चाहिए, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने घरों को अजाखाना बना देना चाहिए। हम इतनी आज़ादारी करें कि हर घरों के आसपास के लोगों को पता चल जाए कि हमारे बराबर में शिया हजरात रहते हैं और इनकी आज़ादारी इतनी अच्छी तरीके से होती है। हम अपने आस पड़ोस में जो खाना और जो हम राशन वो तबर्रुक तकसीम करते थे बड़ी बड़ी मजलिसों में, वो बड़ी मजलिसों में न करा के थोड़ी थोड़ी मजलिसों में, थोड़ी छोटी मजलिस करा कर हम जो तबर्रुक है वो उतना ही ज्यादा बांटे जितना हम पहले बांटते थे। अपने आस पड़ोस में जो भी है उनको ये कह के दें कि ये इमाम हुसैन की मजलिस का तबर्रुक है, सब लोग तबर्रुक खाएंगे, इमाम हुसैन को याद करेंगे कि यार बताया जाएगा कि यार इमाम हुसैन की मजलिस में इतना तबर्रुक बढ़ता। आप उनके लिए राशन बांटिए, उनके लिए उनके नाम पे सबीले लगाइए, उनको पानी पिलवाइए, उनके लिए जो अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं हम वो करें। हमें छोटी छोटी किताबें बांट के बता के किताबें बांटनी चाहिए, हमें हुसैनियत को बढ़ाना है, हमें हुसैनियत को चार चांद लगानी है, किसी भी तरीके से हो सके, जिस तरीके से हो सके हुसैनियत की फॉलोअर्स बढ़ाइए, हुसैनियत को आगे बढ़ाइए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुसैनियत को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि लोग ये कहेंगे यार ये हुसैनियत हुसैन के मानने वाले लोग हैं। हमारे करेक्टर ऐसे होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि यार ये हुसैन के मानने वाले हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस बात को आगे भी शेयर करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया। इस दर्दनाक और अजीम मुसीबत पर जो कि इस्लाम और मुसलमानों पर वारिद हुई है, गम मनाने और रसूल और आले रसूल को पुरसा देने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। टेलीविज़न और इंटरनेट के ज़रिए लाइव तौर पर प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, और इस काम के लिए दीनी और तहजीबी खदमात करने वाले अफराद जो दीनी और सकाफती काम कर रहे हैं, तहजीबी और दीन की खदमात अंजाम दे रहे हैं, कुछ इदारे हैं, चैनल्स हैं, ये अफराद जो दीनी और तहजीबी काम कर रहे हैं, ऐसे इदारे अच्छे खतीब और नौहे खान हजरात के साथ राबता करें, और मोमिनीन को भी तरगीब दिलाएं कि अपने घर और उस जैसी जगहों पर, घर पर या ऑफिस है या ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ जमा नहीं है, दो चार लोग या जो अपने लोग रफ्तो आमद में हैं, जगह पर जमा हों, मजलिस और नौहा सुने और उससे मुसाब हों। यह आपकी पहली गाइडलाइन थी। दूसरा आपने फरमाया कि रोज़ाना मोमिनीन ख़ास अवकात पर घरों में मजलिस बरपा करें, इस तरह से कि घर के अफराद या वो लोग जो उनसे रफ्तो आमद में हैं उसमें शिरकत करें, और आज़ादारी के प्रोग्राम गरचे टेलीविज़न पर लाइव या इंटरनेट के ज़रिए आ रहे हैं उन्हें बैठकर सुनें। यह आपकी ताकीद।
और इस मौरिद में ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार अफराद की तरफ से जितने अफराद के इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई है, जितने अफराद को इजाज़त दी गई है उतनी ही पर इक्तफा करेंगे। तो आप फरमाते हैं कि अय्याम अज़ा का पैगाम पहुँचाने के लिए स्याह परचम अलम मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा चौराहे पर, रास्ते पर, सड़कों और गलियों में लगाए जाए, अलबत्ता इस चीज़ की रियायत करते हुए कि किसी की ज़ाती मिल्कियत और माल में तसरफ न कर अपने मुल्क के कवानीन की पैरवी करते हुए इस काम को अंजाम दें। यह आपकी ताकीद है। और मजलिस के तबर्रुकात, ख़ास तौर पर तबर्रुकात के तकसीम करने में ख़ास तौर पर साफ़ सफाई और एहतियात के साथ तकसीम करें। आप करें, गरचे आपको एहतियात करने के लिए खुश्क तबर्रुकात बांटने पड़े तो आप ऐसा करें, या भीड़ ना जमा होने के लिए, भीड़ जमा ना होने के लिए लोगों के घरों तक अगर तक तबर्रुकात पहुंचाने पड़े कि मसलन आप अगर कहेंगे फलां जहां तबर्रुक बट रहा है तो वहां मुमकिन है 50, 100, 200 लोग जमा हो जाए, तो अगर इस एहतियात के लिए आपको लोगों के घरों तक तबर्रुक पहुंचाना पड़े तो वो भी आप अपने रिलेशन दोस्त साहब आपके घरों में तबर्रुक इस तरीके से तबर्रुक के की तकसीम करें। नमस्कार, आदाब। आज हम आपके बीच में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी मुहर्रम, जन्माष्टमी, गणेश पूजा इसको लेकर जो जारी हुई है उपस्थित हुए हैं, हाजिर हुए हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास अल्पसंख्यक समाज से, खासकर मुस्लिम समाज से भी फोन आ रहे हैं कि क्या इस बार हम मुहर्रम उसी तरह से कर पाएंगे या नहीं। तो उनको बताना चाहते हैं कि सभी के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। आज जन्माष्टमी का भी त्यौहार है आज और कल, तो उसमें भी कोई झांकी नहीं निकाली जा रही है, उसमें भी झांकियां नहीं निकाली जाएंगी, पंडाल नहीं लगाए जाएंगे, कोई सार्वजनिक जहां पर भीड़ नहीं इकट्ठा की जाएगी, इसकी एडवाइजरी में सारी बातें 19 बिंदुओं को लेकर लिख दी गई हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगी मीडिया के जरिए। इसी तरह से एक हफ्ते के बाद आने वाले मुहर्रम को लेकर भी उसमें सारी बातें हैं कि इस बार हम मुहर्रम सार्वजनिक स्तर पर नहीं मनाएंगे, अपने घरों में जो आप इबादत करते हैं, जो इमामबाड़े सजाते हैं, वो अंदर घरों में आप सजाएंगे और घर के ही लोग उसमें बैठकर इबादत करेंगे, मजलिस कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर आप 4 लोगों से ज्यादा अगर खड़े होंगे, क्योंकि दफा 144 जिसको धारा 144 बोला जाता है आप सब जानते हैं वो भी लागू है, 4 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी लोग कोई पाए जाएंगे तो उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, तो एक परेशानी होगी, तो उसमें भी हम सबको ताउन करना है, कोऑपरेट करना है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी एडवाइजरी जो जारी होती है वो जनहित में जारी होती है और कोरोना इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ गया है, उससे सबको सुरक्षित रखना है, उसके संक्रमण से बचाना है, उसके वायरस से सबको बचाना है, इसीलिए भीड़ वाले कोई भी जगह पर किसी तरह के भी आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए जैसे पहले खुला हुआ था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता देगा, लेकिन इस बार हम सब जिस तरह से और त्यौहार हमने मनाए हैं, जब तक हम इस कोरोना से बाहर नहीं आ जाते हैं या इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है या सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है, क्योंकि निर्णय कोई भी फैसला लिया जा रहा है वो जनता के हितों को देखकर लिया जा रहा है, तो इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लोग आएंगे गुमराह करने, क्योंकि इसमें लोग अपनी अपनी सियासत भी करते हैं, बहुत से लोग गुमराह करने आते हैं, तो ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि आप अगर कोई भी त्यौहार या कोई भी चीज करते हैं उसमें आपकी आस्था और आपका समर्पण होता है, तो आप उसमें ही खो जाएं। आप ये मान लें कि हमें घर में बैठकर करना है, हमें अब की इस साल सड़क पर नहीं आना है, इमाम चौक पर कोई ताजिया नहीं सजा के बैठना है, कोई अजाखाना जो सार्वजनिक है वहां पर जो चंद लोग रहते हैं, जो बड़े इमामबाड़े हैं या और भी इमामबाड़े ऐसे हैं, वहां पर 2-4 लोग जो रहते हैं वही रहेंगे। आमतौर से जो सिलसिला होता था जायरीन का जाने का, जो लोग जाते थे वहां पर ज्यारत करने, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस बार रोक लगा दी गई है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है, और अगर कोई जा भी रहे हैं लोग तो हम दूसरे को एक दूसरे को बताना है कि धारा 144 लागू है, इसके तहत हमें इन सब एडवाइजरी का पालन करना है, इसके अनुपालन में ही कोई काम भी करना है, क्योंकि एडवाइजरी जो जारी होती है वो सबके लिए होती है, 23 करोड़ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के जारी की गई है, इसलिए आप सबका ताउन रहा है, आप सबने कोऑपरेट किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे ही लोगों को लेकर वो चले हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार वो एक बेहतर से बेहतर काम उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं,
वो आपके हितों के लिए हो रहे हैं, तो हम सबको कोऑपरेट करना होगा। सरकार आपके लिए होती है और सरकार आपके लिए काम करती है। तो ये भी जो एडवाइजरी जारी हुई है वो जनहित में जारी हुई है, तो हम सबको इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है कि इस बार मुहर्रम हम जुलूस की शक्ल में नहीं मनाएंगे, नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इस पर रोक है, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, चार लोगों से ज्यादा कहीं ना खड़े हों क्योंकि दफा 144 है। तो हम सबको बहुत ख्याल रखना होगा और सरकार समय समय पर आपके साथ आपको हर जगह पर आगाह करती रहती है, कोई भी एडवाइजरी जारी करती है वो जनहित में है। हमने इसलिए ये बताना मुनासिब समझा, लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे, तमाम लोग पूछ रहे थे कि क्या मुहर्रम का क्या होगा, तो मैंने बताया कि इस बार मुहर्रम है, गणेश पूजा है, या और आज मैंने बताया कि जन्माष्टमी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारे आयोजन नहीं होंगे, तो इसलिए मुहर्रम को भी लेकर ये एडवाइजरी है और तमाम और प्रोग्रामों को लेकर भी 19 बिंदुओं की एडवाइजरी है जो आप तक पहुंच जाएगी। तो इस बार हम सबको इमाम हुसैन की असल कुर्बानी क्या थी मानवता के लिए, इमानवता के लिए जो दी गई कुर्बानी थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना है, उनके बातों को सुनकर गिरिया करना है, जो करबला में हुआ उसको याद करना है और उसके बाद सब्र से काम लेना है और दुआ करना है, हम सबको मिलकर सर समाज को ईश्वर से अल्लाह से दुआ करना है कि हम इस कोरोना से जल्दी बाहर निकलें और फिर से आइंदा साल हमारी जिंदगी पटरी पर आए और जैसे हम अपने प्रोग्राम त्योहार और खुशियां और गम मनाया करते थे वो सब एक साथ खड़े होकर एक साथ एकजुट होकर मनाएंगे। बस इसीलिए आपको इत्तला करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।